नमस्कार दोस्तों, रीएजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज करंट अफेयर्स के लेक्चर के अंतर्गत जो विभिन्न महत्वपूर्ण जो घटनाओं को हम सम्मिलित करेंगे, लेकिन इसके पूर्व में कुछ मुख्य विषय के रूप में निर्धारित दो महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि एक डीए पर आधारित होगा और दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा से संबंधित है, इन दोनों विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पूर्व में जो है कुछ समय तक करंट अफेयर्स के लेक्चर अपलोड नहीं किए जा रहे थे बिकॉज इधर पीसीएस के पेपर थे, तो जिसमें लोग एक सप्ताह से जो है अपने परंपरागत अन्य चीज़ों को जो है समेटने में लगे हुए थे, और पीसीएस की परीक्षा में जो है अगर देखा जाए तो कुछ पहले की घटनाएं ही पूछी जाती थी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इससे संबंधित लेक्चर अपलोड नहीं किए जा रहे थे। तो डीए को लेकर के जो है हम लोग राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और कुछ छोटी मोटी और घटनाएं जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं आज के इस संक्षिप्त लेक्चर में हम लोग जो देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है डीए को जो है देख लेते हैं, डीए कैलकुलेशन कैसे होता है। अभी हाल में ही जो केंद्र सरकार ने अपने जो कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जो वृद्धि करके जो है इसे 28 से 31 प्रतिशत कर दिया है, यानी कि डीए में जो है 3% की जो है वो वृद्धि की गई है। और डीए का निर्धारण किस तरीके से होता है, किस तरीके से जो है कर्मचारियों को उनके महंगाई भत्ते के रूप में जो है अतिरिक्त धनराशि दी जाती है, और यह अतिरिक्त धनराशि इसलिए दी जाती है ताकि सामान्य रूप से बढ़ने वाले महंगाई से निपटने के लिए और अपने सामान्य जीवन को जो मेंटेन करने के लिए वह इस जो है महंगाई भत्ते से भरपाई कर सकें। तो डीए की जो कैलकुलेशन है, डीए का जो कैलकुलेशन होता है वह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई के आधार पर किया जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर किया जाता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को समझने के लिए यहाँ पर दो महत्वपूर्ण अवधारणाओं को भी जो है यहाँ पे समझना होगा, एक महंगाई है और एक जो है महंगाई भत्ता है, इन दोनों को भी समझना आवश्यक होगा। महंगाई दो प्रकार से है, एक जो है थोक महंगाई होता है और दूसरा जो है खुदरा जिसे रिटेल कहा जाता है। थोक महंगाई जो है ये बिजनेस व्यापार कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़ा होता है, इसके आधार पर भी जो है कई तरीके की जो पॉलिसी सरकार बनाती है। लेकिन खुदरा जो महंगाई है वो आम जनजीवन से जो संबंधित होता है, आम जनजीवन के द्वारा जो भी अपने जीवन यापन के लिए सामान्य किस्म के जो है बुनियादी जरूरत की जो है वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, और एक निश्चित समय में जब उन वस्तुओं के मूल्य में जो वृद्धि होती है उनके आधार पर जो महंगाई निर्धारित की जाती है वह जो है खुदरा महंगाई कहलाती है, या इसे रिटेल महंगाई कहा जाता है। और यह जिन वस्तुओं के जो है मूल्यों पर आधारित होती है उनकी सूची से मिलकर के जो सूचकांक बनता है वही सीपीआई कहलाता है। यह जो है सीपीआई यानी कि खुदरा जो है महंगाई से संबंधित, खुदरा महंगाई जिन वस्तुओं से जैसे जीवन यापन के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं उनको इसमें सम्मिलित किया जाता है, और उनके मूल्यों में जो एक निश्चित समय मतलब 6 माह सामान्यतया है, ये तब कुछ केस में 3 माह को भी देखा जाता है, लेकिन अभी हम उसको इसमें समझेंगे। तो 6 माह के लिए अगर हम निश्चित समय मान के चलते हैं उसमें उन जीवन यापन के लिए बुनियादी जरूरतों के मूल्यों में जो वृद्धि होती है उनसे बनी हुई सूचकांक जो होती है वो जो है सीपीआई कहलाती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो कहलाता है। और यह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर ही जो है आपके डीए का जो है निर्धारण किया जाता है। अब महंगाई भत्ता जो है देख लेते हैं, दो तरीके से होता है, एक जो होता है इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंसेज और दूसरा होता है वेरिएबल डियरनेस अलाउंसेज, परिवर्तनीय महंगाई भत्ता, और एक होता है औद्योगिक महंगाई भत्ता। यह 3-3 महीने के अंतराल पर और ये 6-6 महीने के अंतराल पर देखा जाता है। यह जो है पब्लिक सेक्टर के जो है लोगों के लिए होता है, और यह जो है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए होता है। यद्यप इसी के तर्ज पर अन्य राज्यों में जो है राज्य सरकारें भी जो है समय समय पर जो है अपने कर्मचारियों के लिए जो महंगाई की घोषणा करते हैं। तो ये 6-6 महीने के अंतराल पर होता है, यानी कि साल में 2 बार होता है। इन दोनों की गणना ही जो है सीपीआई के आधार पर जो है वो की जाती है। तो आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को समझ लिए होंगे कि ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जीवन यापन के लिए आवश्यक वस्तुओं की एक सूची है, और एक निश्चित समय यानी कि 6 महीने में उस सूची के वस्तुओं के मूल्यों में जो वृद्धि होती है उन्हीं के आधार पर व्यक्ति के जो है वेतन में
कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की जाती है वही डीए कहलाती है। तो इस डीए का निर्धारण जो है वो आपके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर किया जाता है और उपभोक्ता मूल्य जो सूचकांक के आधार पर ही दो प्रकार के भत्ते का निर्धारण होता है और ये जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है वो खुदरा महंगाई के आधार पर जो है यानी कि रिटेल सेक्टर से बनता है और इसी के आधार पर महंगाई भत्ता भी दो प्रकार से होता है, एक जो है आईडीए है और एक वीडीए है, ये दोनों ही जो है अलग अलग कॉन्सेप्ट में इस रूप में जो है व्यवहारित होते हैं। तो ये था जो है डीए की जो सूचना और डीए के संदर्भ में एक कैसे कैलकुलेशन किया जाता है इस बात की जानकारी। दूसरी महत्वपूर्ण जो खबर है वो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा कर दी गई थी और इसे जो है अभी प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिल्ली में जो है दिए जाते हैं और इस बार के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है वो उपराष्ट्रपति के द्वारा जो है दिया गया है यानी कि 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान में रखना है कि जब इस तरीके के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार या ऐसे कोई पुरस्कार की घोषणा होती है या कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जहां पर एक सूची में कुछ करंट अफेयर्स के जो मैटर आते हैं तो वहां पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आपको सिलेक्ट करना है और उसे तत्काल याद करना है अगर परीक्षा कुछ समय बाद है। अगर तत्काल में है तो आपको पूरी चीजें सभी पक्षों को एक साथ देखना होगा, लेकिन अगर परीक्षा 2-4 महीने बाद है क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जिसे एग्जाम के 1-10 दिन पहले भी देखना पड़ता है, एक मतलब पूरी पाठ्यक्रम को जो भी चीज आपने जो है पढ़ा हुआ इसके पूर्व में तो वहां पे तो आपको पूरा पढ़ना है, इसलिए अगर एग्जाम नजदीक है तो सभी को देखिए, अदरवाइज जो है आप उसके कुछ महत्वपूर्ण पक्षों और पहलुओं को आप जो है देख लीजिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत बड़ी न्यूज होती है। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण जो घटनाएं होती हैं उसको आप उसी समय पे जो है तैयार कर लेंगे और जो छोटी छोटी जो है महत्वपूर्ण जो प्रगति होती है जो उससे संबंधित सूचनाएं होती हैं उसे आप आने वाले समय में जो है तैयार करते हैं। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो कि नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है इसमें 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया है और ये तेलुगु फिल्म अभिनेता रजनीकांत को दिया गया है। वहीं पे जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है वो कंगना रनौत ये जो है कर्णिका फिल्म में इनके बेहतर प्रदर्शन के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कंगना रनौत को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार धनुष को दिया गया है। ये भी तमिल अभिनेता हैं, तेलुगु फिल्म अभिनेता हैं, दक्षिण भारत के हैं और इन्हें जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो है पुरस्कार दिया गया है। तो इस तरीके से जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उपराष्ट्रपति के द्वारा नई दिल्ली में प्रदान किया गया, दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार वो कंगना रनौत और अभिनेता का पुरस्कार धनुष को जो है प्रदान किया गया है। 51वां जो है दादा साहब फाल्के जो है पुरस्कार था। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण न्यूज आ रही है कि महिलाओं के क्षेत्र में किए गए जो है महत्वपूर्ण जो है समर्थन के लिए जो है एडिडास कंपनी और जो है दीपिका पादुकोण के बीच जो है परपत्र पर जो हस्ताक्षर किए गए, यानी कि एडिडास कंपनी बॉलीवुड की किस अभिनेत्री के साथ जो है समझौता किया है तो वो है दीपिका पादुकोण। ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से जो है अलग न्यूज है, दीपिका पादुकोण के साथ उसने जो है समझौता जो है किया गया है। और दूसरी महत्वपूर्ण न्यूज एक रिपोर्ट के बाद आई है कि फसलों के जो है अवशेष जलाने से हुए उत्सर्जन के मामले में भारत का स्थान पूरी दुनिया में पहला है। अब इसका मतलब यह है कि यहाँ पर फसलों के अवशेष के प्रबंधन में कहीं ना कहीं कोई कमी पाई जाती है, तो ये जो है पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है महत्वपूर्ण नहीं है और दूसरी तरफ यदि इन पौधों को हम उर्वरक में किसी तरीके से जो चेंज करने का प्रयास करें या मैकेनिज्म बनाने का प्रयास करें तो निश्चित तौर पर यह कहीं ना कहीं भूमि की उर्वरा शक्ति को जो भी मेंटेन करने में जो है मदद करता है और जो ये अवशेष है इससे धुएं निकलते हैं जो पर्यावरण जो प्रदूषित होता है। गेहूं
और धान या इसी तरीके से अन्य फसलों के जो अवशेष होते हैं उन्हें पराली कहा जाता है, और इन पराली के जलाने से जो लोग किसान उस खेत में अवशेष को जला देते हैं जिससे धुआं निकलता है और पर्यावरण प्रदूषित होता है। इसके लिए समय समय पर जो भी कानून बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ फिलहाल आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत का स्थान उत्सर्जन के मामले में पहला है। यह कहीं ना कहीं जो है इस तरीके के जो है फसल अवशेष के प्रबंधन में कमी की तरफ संकेत करता है, और ये बताता है कि इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा और इससे प्रबंधन करने का जो है भारत सरकार के साथ साथ अलग अलग राज्यों की सरकार को भी जो करने का प्रयास करना चाहिए। इधर हाल फिलहाल में टूरिज्म इन बुद्धा सर्किट के नाम से जो है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने जो है एक दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम जो है दो पॉइंट से जो है महत्वपूर्ण है, तो यह यूपी में किया गया है और दूसरा ये जो है कुशीनगर में किया गया है। तो चूंकि जब इस तरीके का कोई इंडिया स्तर का कोई कार्यक्रम स्टेट में होता है तो उसका महत्व परीक्षा के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ जाता है, और बुद्धा सर्किट और जो कुशीनगर है तो यहाँ पे जो है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड भी स्थान है, तो इसको याद करने में जो है आप लोगों को आसानी होगी। तो यूपी के कुशीनगर में जो है बुद्धा सर्किट इन टूरिज्म इन बुद्धा सर्किट नाम से पर्यटन मंत्रालय के द्वारा दो दिवसीय जो कार्यक्रम का भी जो आयोजन किया गया है। खेल जगत से जो है कुछ एक महत्वपूर्ण घटना है, जवागल श्रीनाथपुर में जो है बॉलर थे ये, संन्यास काफी समय पहले ले चुके हैं, और दूसरी तरफ जो हरिभजन सिंह को एमसीसी क्लब की आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है। मेरिल बोन क्रिकेट क्लब एमसीसी के नाम से इसे जो है जाना जाता है, तो इसका जो है आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है। तो कुल मिलाकर के जो है आजकल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं इसी तरीके की थी। उम्मीद करते हैं कि इससे जो है इस टॉपिक को कवर करने में आपको मदद मिलेगा, एक बेहतर समझ बनेगी। जहाँ 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 आवश्यक होता है वहाँ वहाँ पर हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को भी बताने का प्रयास करते हैं, जैसे डीए के संदर्भ में। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, पुनः अगले लेक्चर में एक नई जानकारी कुछ महत्वपूर्ण जो है चर्चा परिचर्चा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।